Yeah, why is Brent having me at least? Oh, oh. Hari Nagar Nagar
तो सब प्रभु की माया है, एक तेरा पुकारा काफी है। हर नगर नगर हर मंदिर में एक नाम तुम्हारा काफी है, एक नाम तुम्हारा काफी है। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य बीच में बेटी कल्याणी हमारे मुख्य मेहमान पहुंचे हैं। कल्याणी जी से निवेदन है कि माला पहना करके और बहन जी का स्वागत करेंगी। बेटी कल्याणी, हाँ शमीम शर्मा जी, लक्ष्मीबाई कॉलेज की संस्थापक हैं, इनका माल्यार्पण से माला पहना करके। ये कभी कभी सौभाग्य मिलता है आपको माला पहना करके विद्यालय में कॉलेज में हर कोई आपको सम्मानित करता होगा, लेकिन विश्व स्तर की कोई भजनोपदेशिका पुष्प मालाओं से आपका अभिनंदन करे, ये इनका गौरव तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपका गौरव अवश्य है। जिंदल परिवार, श्री जगदीश जी जिंदल हमारे बीच पहुंचे हैं। जिंदल परिवार किसी नाम का मोहताज नहीं है, और जिंदल परिवार ने पूरे हिसार का नाम पूरे विश्व में, हम पूरे विश्व में अगर हिसार का नाम यदि किसी ने प्रसिद्ध किया है तो वो जिंदल परिवार है, और जिंदल परिवार हमेशा से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी पूज्य माता जी अनेक बार इस संस्था में आई है, सींचती रही है। आज हमारा सौभाग्य है कि वो हिसार से विधायिका भी हैं और विश्व की सबसे अमीर महिला की श्रेणी में भी सर्वोपरि हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, और आज उनके सुपुत्र इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाने के लिए आप मंच पर आसीन हैं। आपका हृदय से पूरा गुरुकुल परिवार, सारा कार्यकारिणी और सारा हमारा जो स्नातक मंडल है वह सभी मिलकर के आपका हृदय से अभिनंदन करता है। उपदेशक महानुभाव भी आपका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं, और मैं एक बार पुनः अभिनंदन के साथ बेटी कल्याणी से निवेदन करूंगा कि अपना कार्यक्रम जारी रखें। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य, जिनके ब्रह्मत्व में रहकर के हम चतुर्वेद शतकम यज्ञ को कर रहे हैं, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान श्रद्धे पूज्य आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य इस गुरुकुल के प्राण, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं शायद ही कोई ऐसा व्यक्तित्व होगा जो उनके जीवन से प्रभावित नहीं है। हम सभी के प्रेरणा स्रोत श्रद्धे पूज्य आचार्य राम स्वरूप शास्त्री जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देकर के उस गुरुकुल को पूरे भारतवर्ष में एक नाम दिलाया है। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य आज के हमारे मुख्य अतिथि महानुभाव, इस पवित्र पावन गुरुकुल के समस्त पदाधिकारी जन, समय बहुत सीमित है इसलिए मैं इस औपचारिकताओं को समेटते हुए सभी का हृदय की गहराई से सम्मान करती हूँ। आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के मूर्धन्य भजनोपदेशक विद्वान भजनोपदेशक मेरे पिता तुले आदरणीय उदयवीर आर्य जी, समस्त विद्वजनगण, सम्मुख उपस्थित समस्त धर्म के अभिलाषी सज्जनों, पूजा एवं वंदना की योग्य मातृशक्ति गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारीगण, और बड़ी ही कुशलता पूर्वक मंच का संचालन कर रहे आग्नेय जगतपाल वर्मा जी, आइए बहुत ही सीमित सा समय है, कुछ विचार आप लोगों के मध्य में मैं रखूंगी। नागौरी गेट आर्य समाज हिसार में अध्यात्म सुधा के नाम से एक पुस्तक छपी है, और उस पुस्तक में एक लेख है जो भद्रसेन जी ने लिखा है, और उसके अंदर वो एक बात कहते हैं कि यदि एक मनुष्य अपने जीवन का उत्थान करना चाहता है, यदि मनुष्य अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देना चाहता है, तो जब एक व्यक्ति के एक मनुष्य के जीवन में तीन कृपाएं होती है तो उस व्यक्ति का जीवन उत्थान की तरफ जाता है। और वहाँ लिखते हैं कि जो तीन कृपा है वो कौन सी है, तो उन्होंने लिखा आत्म कृपा, गुरु कृपा और ईश कृपा। ये तीन कृपाएं जब एक मनुष्य पर होती है
तो उस मनुष्य का जीवन उत्थान की तरफ जाता है। सबसे पहले वो लिखते हैं आत्म कृपा। जब मनुष्य की स्वयं की कृपा खुद पर होती है, उदाहरण के लिए जैसे छोटे से बालक गौतम बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति को चार कंधों पर शव के रूप में लेकर के जा रहे हैं, उसके मन में प्रश्न उठा, क्या एक दिन मैं भी ऐसे चार लोगों के कंधों पर जाऊंगा। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई है और उनके मन में प्रश्न उठा, क्या मैं भी एक दिन ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा। 14 वर्ष के मूल शंकर ने देखा चूहों को उछल कूद करते हुए शिव जी की प्रतिमा पर, तो मन में प्रश्न उठा, मेरे पिता ने जो शिव के बारे में मुझे बताया था वो शिव इतना कमजोर तो नहीं हो सकता जो इन चूहों से भी अपनी रक्षा ना कर सके, और रक्षा तो छोड़ो मलमूत्र तक कर दिया है, अपने आप को उससे भी नहीं बचा रहे हैं, वो शिव वो नहीं हो सकता जिसकी कल्पना मेरे पिताजी ने मेरे सामने रखी है। अपने चाचा और बहन की मृत्यु को देख करके ये प्रश्न मन में जागृत करते हैं, क्या एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, ये मृत्यु क्या होती है, मैं इसको जानना चाहता हूँ। ना जाने हमने कितनी शिवरात्रियां देखी होगी, ना जाने हमने कितने लोगों की मृत्यु देखी होगी, कितने बूढ़ों को हमने आते जाते देखा होगा, लेकिन क्या वो जिज्ञासा, क्या वो प्रश्न हमारे अंदर जागृत होते हैं जो एक गौतम के मन में हो रहे हैं, जो आगे चलकर के महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, जो एक 14 वर्ष के बालक मूल शंकर के अंदर पैदा होते हैं, जो आगे जाकर के महर्षि दयानंद बन जाते हैं। ये आत्म कृपा होती है जब व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, जब व्यक्ति उसको जानने का प्रयास करता है। और जब व्यक्ति प्रश्न जागृत करता है तो फिर उनके उत्तर पाने की कोशिश करता है, और उत्तर जिससे मिलते हैं वो मिलते हैं हमें गुरुजनों से, वो हमें मिलते हैं आचार्यों से। वो छोटा सा बालक मूल शंकर निकल पड़ा इन प्रश्नों को लेकर के, गुरु की तलाश में निकल पड़ा, योग विद्या प्राप्त हुई, जीवन के अंदर थोड़ी सी विद्या की जो कमी रह गई वो गुरु विरजानंद जी के पास में जाकर के पूरी हुई, और गुरु विरजानंद जी ने ऐसा सन्यासी तैयार कर दिया जो सारे संसार को हिला करके चला गया। और देखो उस अंतिम दृश्य को याद करना, जब कृपा होती है तो कैसे होती है, जब विदा लेने के लिए जाते हैं और लोग लेकर के जाते हैं तो विरजानंद जी कह देते हैं, दयानंद इन लोगों के लिए मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, ये तो मेरे पास में बहुत रखी है, मैंने तुम्हें इनके लिए नहीं पढ़ाया। तो उस समय ऋषि दयानंद ये बात कह देते हैं, गुरुवर बताइए आपको क्या चाहिए। तो उस समय गुरु विरजानंद जी ने कह दिया था, दयानंद मुझे तुम्हारा पूरा जीवन चाहिए, मैं चाहता हूँ। और जो प्रश्न गुरु विरजानंद जी उस समय में ऋषि दयानंद के सामने रख रहे हैं आर्यो, वही प्रश्न आज जो के त्यों हमारे सामने खड़े हैं। उस समय विरजानंद जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ समाज के अंदर पाखंड फैलाए, तुम पाखंडों का नाश करो, मैं चाहता हूँ समाज के अंदर आर्ष ग्रंथों की जगह अनार्ष ग्रंथों का पठन पाठन है, तुम आर्ष ग्रंथों की स्थापना करो और अनार्ष ग्रंथों का नाश करो। ये भारत माता गुलामी के बंधनों में है, तुम इस भारत माता को आजाद करो। आज हम शारीरिक रूप से तो आजाद है लेकिन मानसिक रूप से गुलाम है। जो समस्याएं उस समय विरजानंद जी रख रहे हैं वही समस्याएं आज हमारे सामने जो कि क्यों खड़ी हुई है। विरजानंद जी ने जीवन मांगा और महर्षि दयानंद ने अपना जीवन दे दिया। ना जाने ऋषि दयानंद ने अपने जीवन के क्या लक्ष्य सोचे होंगे, अपने जीवन का क्या भविष्य सोचा होगा, लेकिन गुरु ने जो कहा वो ऋषि दयानंद जी ने दे दिया, और आगे का जीवन ऋषि दयानंद का गुरु ने जो कहा था उसी के ऊपर चला। और जब गुरु कृपा हो जाती है, आत्म कृपा हो जाती है, तो फिर ईश कृपा होने में समय नहीं लगता। आज तो हम फिर भी बहुत हैं, आज तो हमारे पास में फिर भी बहुत साधन हैं। जब ऋषि दयानंद प्रचार करने के लिए निकले थे तो निवेदन कर दो, केवल और केवल ऋषि दयानंद के पास में उस ईश्वर की ही शक्ति थी, वो ईश्वर का ही साथ था, ना चेला था, ना चेली थी, ना लोग थे,
केवल और केवल ऋषि दयानंद अकेले चले थे और वो ईश्वर की वो कृपा हुई कि उस अकेले में ऋषि दयानंद ने पूरे भारत को हिला करके रख दिया। एक अकेला उदाहरण जब ये तीनों कृपाएं हम देखते हैं तो पता लगता है कि वो ऋषि दयानंद ऐसे पात्र हैं महाभारत के समय से लेकर के अब तक, महाभारत के पश्चात से लेकर के अब तक, जिनके ऊपर ये तीन कृपाएं हुई और आगे चल कर के वो महर्षि दयानंद बनते हैं, जो आज भी जिनका नाम लेते हैं तो जीवन के अंदर एक प्रेरणा जागृत हो जाती है। यदि हम भी अपने जीवन का उत्थान चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने अंदर इन बातों को जागृत करें, कुछ भी हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर उनके उत्तर जानने का प्रयास करें और वही जीवन में आचरण में लाने का प्रयास करें। भले ही वो मार्ग कितना कठिन हो, उस ईश्वर की कृपा अपने आप बरसती चली जाएगी। इसलिए आइए बस चंद पंक्तियां कह दूं।